हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुप्रभात, नमस्ते, आदाब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, क्या जानकारी ताज़ी निकल के आ रही है कि भाई, ताज़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि 10 बज गई है, वोटिंग लाइन क्लोज हो गई है। अब क्या वोटिंग रिजल्ट निकलता है, किसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं, आपको थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। कुछ भी उलट फेर हो सकता है, बड़ा वाला बिग बॉस यहाँ पर कुछ भी गेम कर खेल सकते हैं, किसी का भी यहाँ से पत्ता साफ हो सकता है। पर ज़्यादा चांस जो दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर दो एलिमिनेशन होते हैं तो विशाल और शिवानी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बिग बॉस कोई टास्क देते हैं या हेड ऑफ द हाउस को हो सकता हो कुछ दूसरी पावर दे दे और उनसे कुछ पूछें तो वो कुछ चेंज ला सकते हैं, ऐसा इस गेम में हो सकता है। क्योंकि भाई बिग बॉस का है, मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, ऑडियंस के सिर्फ वोट मायने रखती हैं। तो काफ़ी ऑडियंस, मुझे लगता है शिवानी को जो सपोर्ट कर रही थी, निराश हो रही है। पर गाइस, निराश नहीं होना चाहिए था। आप लोग जितना ज़्यादा वोट करते 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 ही रहते, सभी लोग जो अपने फेवरेट प्रतिभागी हैं उन लोगों को वोट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मेकर्स जो चाहते हैं वो तो होना ही है। हम लोग तो हमारी कोशिश, हम बोलते हैं ना, कर्म करो फल की आशा मत करो, वही हम लोगों का है कि भाई हमारा काम है वोट देना, तो हम लोग वोट दे रहे हैं। तो भाई, यहाँ पर बिग बॉस OTT का विनर कौन होगा, इस बात को लेकर काफ़ी कयासों का सिलसिला जारी हो चुका है। और पॉपुलैरिटी लिस्ट में इस खिलाड़ी का नाम जो सबसे है वो ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं कटारिया को। तो कटारिया ही अभी बिल्कुल सेफ नज़र आ रहा है। और रणबीर शोरी तो पक्का जाना ही है, मुझे लग रहा है। कुल मिलाकर आप और मेरी राय तो यही होनी चाहिए थी, यहाँ से जो एलिमिनेशन होना चाहिए था वो नेजी या तो अरमान या कृतिका, इन तीनों को आना चाहिए था नॉमिनेशन में। पर यहाँ पर सब कुछ पासा उल्टा ही हो गया। पता नहीं बिग बॉस ने क्या देखा गेम में, क्या सोचा। तब फिर कड़ा मुकाबला होता, अच्छा वाला, तब मज़ा आती देखने में। अनिल कपूर होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस OTT का सफर फिनाले के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। अब घर के अंतर गिनती के ही खिलाड़ी बचे हैं, जिनमें से एक ही बिग बॉस OTT की ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ही लेकर जाएगा। बिग बॉस से जुड़ी अगर और भी खबरें हम और सोशल मीडिया से जो आ रही हैं खबरें, अगर आपके साथ उनको साझा करें, या फिर पब्लिक वोटिंग के आधार पर एक लिस्ट जारी की गई है और बताया गया है कि इस हफ्ते पब्लिक का जो सपोर्ट है किस खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा साथ रहा है, और नतीजे वाकई काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें वोटिंग की रैंकिंग दिखाई जा रही है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं जाके। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लव कटारिया इस सीज़न के विनर हो सकते हैं। तो भाई, पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। लव कटारिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बता दें, जब पिछले दिनों में ज्योतिष घर के अंदर आए थे ना, तो उन्होंने भी कुछ ना एक इशारा किया था लव कटारिया के ऊपर कि वो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा था, भैया अपना कोर्ट तैयार रखना, सिलवा कर तैयार रखना। और जब पर अदनान की एंट्री हुई तो उसको एक लव के ख़िलाफ़ बड़ा एक दावेदार माना जा रहा था कि हो सकता हो कि उसके आने के कारण लव कटारिया की कुछ मुसीबतें बढ़ जाएं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो एक हफ्ते के बाद ही बेघर हो गए। अब लिस्ट के 5 खिलाड़ियों के जो नाम आ रहे हैं, उनमें किस किस के नाम हैं, उनमें क्रमशः तो जो नाम है वो है, अगर हम छोड़ दें तो इनमें से लेकर जो नाम आ रहे हैं पॉपुलरिटी लिस्ट में, विशाल का भी नाम है, विशाल है, कटारिया है, और रणबीर शोरी है, सना मकबूल है। अब यहाँ पर है अरमान होगा या नेजी होगा, ये देखते हैं कि इनमें से अभी 10 बजे तक की जो वोटिंग लाइंस बंद कर दी है उसमें किसका नाम आता है। तो भाई, अभी आप लोग क्या बोलोगे इस मामले में, और काफ़ी कुछ घर के अंदर हुआ है, मतलब मेकर्स ने क्या किया है आप सब जानते ही हो कि भाई, दोस्ती तुड़वाने की उनकी एक चाल थी। अब वो चाहते हैं TRP अपनी बढ़ाना, उन्हें TRP शो के कहीं से। तो बिग बॉस ने काफ़ी कुछ टास्क ऐसे दिए थे जिसमें उन लोगों के बीच में दरार आ जाए दोस्ती में। अब भाई, जो इलेक्शन वाला इनका टास्क था उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको बोलना था और अपनी तारीफ करनी थी। तो भाई, इसमें भी शिवानी के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि शिवानी ने सना मकबूल की बुराई करी है। तो भाई क्या है, शिवानी भी काफ़ी अभी स्ट्रेस,
ऐसा होता है ना कि जब हम लोग मुसीबत में होते हैं ना तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शिवानी जान चुकी है कि वो घर के बाहर जा सकती है, इसीलिए वो अंदर से बहुत अपने दुखी है, परंतु उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखा हुआ है कि नहीं चलो अब मुझे जाना ही होगा। तो गाइस आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि शिवानी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शिवानी को टॉप लेकर जाना चाहिए था शिवानी को टॉप फाइव में, आपकी क्या राय है और क्या लगता है इस बार का बिग बॉस OTT 3 में मज़ा आया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।